नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का शिक्षा श्री में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास यानी मिडाइवल हिस्ट्री के 650 से 1206 ईस्वी के टॉप 10 क्वेश्चंस को करेंगे। ये पार्ट वन है और इसके सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे RRB NTPC ग्रुप टी इत्यादि में पूछे जा सकते हैं। हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 725 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। यह उत्तर भारत के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है संक्रमण काल, राजपूत काल, भारत पर तुर्क आक्रमण का काल, उपयुक्त में से सभी। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी राजपूत काल होगा। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र से लिया गया है। आमतौर पे इसका अर्थ होता है राजा का पुत्र या शाही परिवार के किसी व्यक्ति का राजपुत्र। लेकिन हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत या राजपुत्र शब्द का प्रयोग जाति के रूप में होने लगा था। सेकेंड क्वेश्चन, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? ऑप्शन है दाहिरिया, दाहिर, चच, राय साहसी। इसका जो सही उत्तर होगा बी दाहिर होगा। राजा दाहिर सिंध के सिंधी ब्राह्मण सैन गुज्जर राजवंश के अंतिम राजा थे। उनके समय में ही अरबों ने सर्वप्रथम सन 1712 में भारत यानी कि सिंध पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम मिशन 712 में सिंध पर आक्रमण किया था, जहां पर राजा दाहिर सैन ने उन्हें रोका और उनके साथ युद्ध लड़ा और उनका शासनकाल 663 से 712 ईस्वी तक रहा था। और उन्होंने अपने शासनकाल में सिंध प्रांत को बहुत ही मजबूत बनाया, लेकिन अपने राष्ट्र और देश की रक्षा के लिए उन्होंने उमेद शासन के जनरल मोहम्मद बिन कासिम की लड़ाई लड़ी और वो हार गए और 712 ईस्वी में उनका सिंधु नदी के किनारे मौत हो गई। अगला क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ यानी टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? ये SSC 2002 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है राणा कुंभा, राणा संगा, राणा रतन सिंह या राणा हमीर। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए राणा कुंभा होगा। जो विजय स्तंभ है वो भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है और ये एक टावर है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में 1440 से 1448 के मध्य में बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? ऑप्शन है भवभूति, जयदेव, चंदबददाई या बाणभट्ट। इसका जो सही उत्तर होगा वो चंदबददाई होगा। जो पृथ्वीराज रासो है ये हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय से ही एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके लेखक चंदबददाई दिल्ली के चौहानवासी शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और इस ग्रंथ में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र की पूरी झांकी प्रस्तुत की है और इस ग्रंथ में पृथ्वीराज की प्रेम संबंधी भावनाओं को भी दर्शाया गया है। वह जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं, ये सारे चीज़ वहाँ पे इसमें वर्णन किया गया है। और इसी ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सूचना भी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, खुजराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत या फिर चंदेल राजपूत। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी चंदेल राजपूत होगा। खुजराहो
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और प्राचीन काल में ये बुंदेलखंड का एक प्रमुख नगर हुआ करता था। 10वीं और 11वीं शताब्दी में चंदेल राजपूत शासकों ने इस नगर को विशाल और भव्य मंदिरों से सुसज्जित करवाया और उनके द्वारा बनवाए गए 30 मंदिर आज भी विद्यमान हैं। अगर आप लोग मध्य प्रदेश के छतरपुर वाले इलाके में जाएं तो वहाँ पर ये आज भी मंदिर उसी तरीके से मिलेगा। और यहाँ के मंदिर हैं जो वो जैन और हिंदू दोनों ही धर्मों से संबंधित है। खजुराहो का सबसे श्रेष्ठ मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। अगर कोई खजुराहो से है तो उसे पता होगा, या फिर अगर आप लोग खजुराहो जाएं तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कंदरिया महादेव का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। ये RRB NTPC 2015 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है ययाति केसरी ने, लाला तेंदु केसरी ने, नरसिंह देव ने या फिर प्रताप रुद्रदेव ने। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था और उसने उसी समय अपनी राजधानी को जाजपुर से भुवनेश्वर में स्थानांतरित किया था। ये जाजपुर उड़ीसा में है, वहाँ से ये भुवनेश्वर में अपनी राजधानी को स्थानांतरित करवाया, मतलब वहाँ पर ले गया। और इसी स्थान को ब्रह्म पुराण में एक क्राम क्षेत्र बताया गया है। जो मंदिर का प्रांगण है वो 150 मीटर वर्गाकार का है और कलश की ऊंचाई 40 मीटर की है। और हर एक साल अप्रैल के महीने में यहाँ से रथ यात्रा का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। ये भी RRB NTPC 2015 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है भीमदेव 1, भीमदेव 2, मूलराज 1 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, भीमदेव 1। जो भीमदेव 1 मतलब प्रथम, ये गुजरात के सोलंकी वंश का शासक था और इसने वड़नगर पर 1021 से 1063 ईस्वी तक शासन किया। ये नागराज का पुत्र एवं दुर्लभ राज का भतीजा था। और सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय इसने कांतकोट में शरण ले ली थी। अगला क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक का रचयिता है। ऑप्शन है परमार शासक भोज, चौहान शासक बिरगराज 4, प्रतिहार शासक भोज या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो चौहान शासक बिरगराज 4 होगा, जिसे बिसलदेव भी बोलते हैं। जो हरिकेली नाटक था उसके रचयिता बिरगराज 4 थे और ये चौहान वंश के एक हिंदू राजा थे जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शासन किया था। इन्होंने पड़ोसी राजाओं को जीतकर चौहान राज्य में एक साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया था और इनके राज्य में आज के प्रेजेंट में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र शामिल थे। इनकी राजधानी कहाँ था, अजमेर में, जहाँ इन्होंने अनेक भवनों का निर्माण भी करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। ऑप्शन है नागानंद, मालती माधव, हरिकेली या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी हरिकेली होगा। ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है मस्जिद, ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है और माना जाता है कि इसका निर्माण सिर्फ अढ़ाई दिन में किया गया था और इसी कारण से इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ गया था। इसके निर्माण से पहले वर्तमान संस्कृत विद्यालय को परिवर्तित करके मोहम्मद गौरी के आदेश पर मोहम्मद गौरी के गवर्नर जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने वर्ष 1192 में करवाया था और
हरिकेली नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन के झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। अगर आप लोग वहाँ पर जाएं तो ये देखने को मिलेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्योदय के मंदिर के निर्माता थे। ऑप्शन है कपिलेंद्र, पुरुषोत्तम, चोटगंग या नरसिंह वन। इसका जो सही उत्तर होगा वो नसीम वन होगा। जो कोणार्क के सूर्य मंदिर है इसका निर्माण गंग शासक के नरसिंह वन ने करवाया था और शेष तीन शासकों में से कृष्णदेव राय विजयनगर का कनिष्क प्रयाग व उसके उत्तरी क्षेत्र तथा पुलकेशी नर्मदा के दक्षिणी क्षेत्रों का शासक था, जो कि उड़ीसा से किसी भी रूप से संबंधित नहीं थे। इस तरीके से ये आज का मिडाइवल हिस्ट्री का टॉप 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। ये पार्ट 1 था। मिडाइवल हिस्ट्री का और भी बहुत सारा पार्ट्स आने वाला है, तो आप लोग जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा पहुँचे। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।